लाहौर का नाम लें तो रावी और रावी का जिक्र करें तो लाहौर जहन में आता है। दोनों लाजिम व मलजूम एक दूसरे के साथ सदियों से चल रहे हैं। कामरान की बारादरी पर पहुंचने के लिए हमें रावी से गुजर के जाना पड़ता है। कामरान की बारादरी पर आना बिल्कुल एक मिनी एडवेंचर के जैसे है। पहले आप शहर की रशदा सड़कों से गुजरकर रावी के पुल के जानिब उतरते हैं, फिर आप टिकट लेकर कश्ती में बैठते हैं। कश्ती रावी के बचे कुचे पानी पर बल खाती डोलती चलती है। यहाँ से रावी के पुल का बहुत खूबसूरत नज़ारा होता है जहाँ से ट्रैफिक गुजर रही होती है। से उतर के तकरीबन 15 से 20 फुट चढ़ाई चढ़ने के बाद ये कच्चा रास्ता आ जाता है जो कि दरख्तों से घिरा हुआ है, और इसके जो बाएं जानेब है वो आपको दरिया रावी मिलता है और उसकी दाएं जानेब बारादरी नज़र आती है। और ये रास्ता जो है वॉक के लिए बड़ा खूबसूरत से बना हुआ है, थोड़ी सी बस हाइक करके जानी पड़ती है। और ऊपर से आज लाहौर का मौसम भी बहुत खूबसूरत है, हवा चल रही है, साथ साथ बादल भी बने हुए हैं। सो ऑब्वियसली एक तो हिस्टोरिकली भी आई एम गोना टेल यू अबाउट दिस प्लेस, और उसके साथ साथ अगर एज अ पिकनिक पॉइंट के तौर पर इस जगह की बात करें ना, तो वो आई एम फीलिंग लाइक इट्स अ प्लेस टू स्टे फॉर अ वाइल, जहाँ पे यू कुड हैव अ पिकनिक एंड सम टाइम टू एंजॉय। तो अभी ऊपर चलते हैं और चल के बारादरी को करीब से देखते हैं। बारादरी में मौजूद हूँ, और इसको बारादरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 12 दरवाजे हैं, और इसको कामरान की बारादरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको कामरान मिर्ज़ा ने 1540 में तामीर कराया, जो कि पहले मुग़ल बादशाह बाबर के बेटे थे और दूसरे मुग़ल बादशाह हुमायूं के भाई थे। कामरान की बारादरी लाहौर में मौसम गर्मा के लिए बनाए जाने वाली एक बारादरी है। बारादरी एक ऐसी इमारत है जिसके 12 दरिया दरवाजे होते हैं ताकि आज़ाद हवा का बहाव मुमकिन हो सके। सदियों बाद भी ये बारादरी देखने वालों को हैरान कर देती है। और ये बारादरी वसीओ अरीज बाग का हिस्सा है, और इस बाग में शेर व सुखन की कई महफिलें और ज़ियाफ़तें मुनक़द होती थीं। जाता है कि मुगलिया दौर की लाहौर में जितनी भी इमारतें मौजूद हैं, जो बारादरी है कामरान की बारादरी, ये सबसे पुरानी इमारत और सबसे पहली इमारत है जो कि तामीर की गई। अच्छा, जिस दौर में इसको तामीर किया गया तब जो दरियाए रावी था तकरीबन 2100 मीटर दूर इससे बहता था, लेकिन क्या होता है कि वक्त के साथ साथ दरिया जो है अपना रुख बदलता रहता है, और करते कराते दरियाए रावी जो है बिल्कुल जो कामरान की बारादरी है उसके करीब अब मौजूद है। सो बिल्कुल साथ ही जो दरियाए रावी है वो लगता है इसी को हम क्रॉस करके यहाँ पे पहुँच जाते हैं। अच्छा, जिस दौर में इसको तामीर कराया गया उस दौर में ऐसा कहा जाता है कि जो लाहौर किला था उसकी कोई बहुत अच्छी हालत नहीं थी, तो इसकी वजह से कामरान ने क्या किया, उन्होंने यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत से बाग के बीचों बीच में एक आलीशान महल तामीर करा लिया, और इसी वजह से इसको कामरान की बारादरी कहा जाता है। Thank you.
मुगलिया दौर में इस बारादरी को रॉयल मीटिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाता था और उसके बाद फिर ब्रिटिश इरा आ गया और ब्रिटिश इरा में इस बिल्डिंग को टॉल हाउस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और यहाँ से जितनी भी कश्तियाँ गुजरती थी उनसे टॉल टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद और भी बहुत सारे बादशाह आए और उन बादशाहों ने इस जगह को बेसिकली राहत कदा के तौर पर इस्तेमाल किया और उसके बाद क्या हुआ कि इस पर कोई काम नहीं किया गया किसी तरह कभी और इसकी जो अभी की हालत है वो आपके सामने है। इस वक्त कामरान की बारादरी अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है और अभी आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है जिस सिचुएशन में काफ़ी हद तक डैमेज हो चुकी है और उसके डैमेज होने की मेजर वजह जो है दीज आर एक्चुअली द फ्लड्स और ख़ास तौर पे जो 1850 में फ्लड्स आए उनकी वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज है और उसके बाद 1958 में जो फ्लड आया उसकी वजह से भी बिल्डिंग काफ़ी हद तक डैमेज हुई है। एक तो वैसी इमारत अपनी असली हालत में मौजूद नहीं और जो रही सही कसर है वो लोगों ने पूरी कर दी है, कोई भी ऐसी दीवार नहीं जो आपको साफ़ सुथरी या खाली मिले। एग्जाम्पल के तौर पे पीछे देखें कि यहाँ पे भी आपको कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलेगा और ये वाहिद दीवार नहीं है बल्कि इस पूरी की पूरी बारादरी पे हर दीवार पे कुछ ना कुछ लिखा मिलता है और मुझे बड़ी हैरत होती है कि लोग अपने कल्चरल हेरिटेज को किस तरह से ख़राब करें और देख के बड़ा दुख भी होता है। तो काइंडली प्लीज़ जब भी आप किसी हिस्टोरिकल जगह पे, वैसे तो कहीं पर भी लिखना जो है वो गलत चीज़ है लेकिन ख़ास तौर पर जब भी आप किसी हिस्टोरिकल बिल्डिंग या हिस्टोरिकल जगह पे जाएं तो इस तरह की हरकतें मत किया करें क्योंकि बेसिकली यही हमारा एहसास है। मैं इस वक्त बारादरी के बाग में मौजूद हूँ और ये बहुत ही खूबसूरत जगह है। ख़ास बात इसकी ये है कि बहुत ही पीसफुल, पुरसकून और साइलेंट प्लेस है और चूँकि थोड़े से हट के जगह तो बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं आते तो आप यहाँ पे आ सकते हैं पिकनिक के लिए स्पेसिफिकली। बट मैं यहाँ से जाने वाली हूँ क्योंकि मुझे आपको लेके जाना है एक और बड़ी ख़ास जगह पर, तो मैं आपको लेके जाऊँगी उस जगह पर आफ्टर द ब्रेक और उस जगह के बारे में मैं आपको ब्रेक के बाद ही बताऊँगी।